क्या ही बोलूं, दिमाग ही खराब है। देख संडे भी मैसेज कर रहा है यार ये प्रोजेक्ट मैनेजर। अपनी पर्सनल लाइफ तो है नहीं, दूसरे की भी झंड कर दो, मैं तो रिप्लाई नहीं करूंगी। नहीं, एक है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, डिपार्टमेंट तक अलग है, डिपार्टमेंट तक, और वो मुझे ऐसे फील कराता है जैसे मैं इंटर्न। पहले बोलते मीटिंग में आपका कुछ इनपुट नहीं है, कुछ आइडिया दिया करो, मुंह खोला करो, और जब बोलो ना फिर इनको आइडियाज पसंद नहीं आते। भाई बीच मीटिंग में मुंह बंद करवा देते, बोलने ही नहीं देते। एक रखा हुआ है इन्होंने जो सिर्फ एक ही चीज बोलता है मेरे को, जब मैं कुछ बोलती हूँ ना मेरे को सिर्फ यही बोलता है, ah that's not our target audience, that's very Gen Z। परसों मैंने एक छुट्टी ली होगी, उसमें भी मुझे कैबिन में बिठा के पता नहीं 15 घंटे कुछ सुनाते रहे, ठीक है, वो ज्ञान दे दिया उन्होंने पता नहीं कहाँ का, और उसमें भी कोई आ गया सामने तो उनसे मुझे कंपेयर करने लग गए। उस इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा, उन बोलते देखो ये कैसे मैनेज करते हैं, आज तक इन्होंने छुट्टी ये नहीं किया। अरे भाई उनकी लाइफ में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें यार। एक बंदी है वो इतना कंफ्यूज रहती है ना, उसको खुद नहीं पता उसको जिंदगी से क्या चाहिए। भाई एक ही चीज के 10 फॉर्मेट मांग लेगी। परसों मुझे किसी डॉक्यूमेंट को बोलती इसके पहले पीडीएफ दे दो, पीडीएफ मारी मुंह पे, उसके बाद मुझे बोलती है इसका मुझे एक्सेल चाहिए। मैंने कहा यू जस्ट सेड पीडीएफ, कहती है मुंह खोल ले बहन, मुंह खोल ले अपना। कभी कभी लगता है मेरा पुराना ही ऑफिस ठीक था। नहीं बेवकूफ, वहां पे भी कम नहीं थे पर यहां से ढंग के थे यार, यहां से तो अक्कल थी ज्यादा लोगों में। वहां पे बोल दूं क्या अपने पुराने वाले सर को वापस आने? नहीं यार, बहुत ही चौड़ में छोड़ के गई थी, ऐसे रिजाइन किया था ना मैंने, मरो अब यहीं पे।